हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वींस ब्रिज के बारे में। तो वींस ब्रिज बेसिकली क्या था, ये एक तरीके का एसी ब्रिज है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर एंड या मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। तो क्या बोला गया, ये जो ब्रिज था उससे हम इजिली कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव वे से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड जो पावर फैक्टर होता है कैपेसिटर्स का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पावर फैक्टर की बात आई तो पावर फैक्टर क्या था कि किसी भी एलिमेंट में कितना पावर हम डिलीवर करते हैं और वो एलिमेंट कितना यूटिलाइज कर रहा है उस पावर को, ये जो है पावर फैक्टर हमें बताता है। तो उसी पावर फैक्टर को हमें यहाँ पे कैपेसिटर जो होगा, अननोन कैपेसिटर लगा होगा, उसके पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो क्या बोला गया, वींस ब्रिज की अगर स्टेटमेंट की बात की गई तो बोला गया कि इट इज अ ब्रिज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर। ये तो इनकी स्टेटमेंट हो गई। अब हम देखेंगे कि इनका जो सर्किट डायग्राम होता है इस वींस ब्रिज का वो किस तरीके का होता है। तो द सर्किट डायग्राम इज गिवन एज सर्किट डायग्राम की बात करें तो ऑब्वियस है कि ब्रिज है तो एक ब्रिज के फॉर्म में इनका जो सर्किटरी होगा वो कनेक्टेड होगा। तो क्या बोला गया कि एक इस तरीके की ब्रिज है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ ही साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देन इधर एक रेजिस्टेंस, एंड इधर एक डिटेक्टर, इनको किया गया कनेक्ट एक एसी सोर्स के साथ। फिर क्या बोला गया कि मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी चार आर्म्स हैं इस ब्रिज के, इस एसी ब्रिज के। तो बोला गया कि ये जो कैपेसिटर है ये एक सी वन कैपेसिटर है, साथ ही साथ एक आर वन रेजिस्टेंस लगा है। तो क्या लिखेंगे कि इन आर्म ए बी अननोन कैपेसिटर, यही है हमारा जो कि आर्म ए बी में हमने कनेक्ट किया है। तो एन अननोन कैपेसिटर सी वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर वन। तो ये एक रेजिस्टेंस के साथ एक अननोन कैपेसिटर हमारा आर्म ए बी में कनेक्टेड होगा। देन आर्म बी सी एंड आर्म सी डी में दो रेजिस्टेंसेज आर टू एंड आर फोर कनेक्टेड होंगे। दैट इज बी सी में एक आर टू रेजिस्टर लगा दिया एंड आर्म सी डी में एक आर फोर रेजिस्टर लगा दिया। अगर आर्म एडी की बात करी जाए तो यहां पे हमारा एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर लगा होगा, मान लेते हैं कि इसको हमने नाम C3 दे दिया, साथ ही साथ उसके सीरीज में एक हमारा वेरिएबल रेजिस्टर लगा होगा जिसको हमने R3 नाम दे दिया। तो ये जो है हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया वींस ब्रिज का, जहां पे हम लोगों ने एक अननोन कैपेसिटर के साथ साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। यहां पे एक रेजिस्टर है, एक यहां रेजिस्टर है और यहां पे दो वेरिएबल, एक कैपेसिटर एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। साथ ही साथ बीच में क्या किया है, बी से डी में एक कनेक्ट किया है किसको, डिटेक्टर को। अब ये डिटेक्टर क्या है, या तो गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं या जनरली हेडफोन्स यूज किया जाता है। और इस ब्रिज को कनेक्ट किया गया किससे, या इस सर्किटरी को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या बोला गया कि अगर हमें ब्रिज को बैलेंस करना है तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो डिटेक्टर जो है हमारा किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स शो नहीं करता है। तो इनके सर्किट डायग्राम के बारे में इस तरीके से लिख देंगे कि आर्म, अलग अलग आर्म में किस तरीके से वैल्यूज, किस तरीके से एलिमेंट्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट आगे हम सिंपली डायरेक्टली करेंगे कि जब हम बैलेंस कंडीशन इनकी अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगे, या किस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा अननोन कैपेसिटर C1 लगा है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, सॉरी बैलेंस्ड कंडीशन, डायरेक्टली क्या करेंगे हम, बैलेंस्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब बैलेंस्ड कंडीशन हमको पता है एसी ब्रिज की क्या है, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू Z3 अपॉन Z4। तो ये जो है हमारा एक बैलेंस कंडीशन हो गया। दैट इज Z1 Z2 Z3 Z4 यहां पे क्या है,
इम्पिडेंसेज लगे हुए हैं, तो Z1 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म ए बी, Z2 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म बी सी, Z3 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म ए डी एंड Z4 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म सी डी। तो इस तरीके से चारों इम्पिडेंसेज है और इनकी बैलेंस कंडीशन जो AC ब्रिज हम यूज कर रहे हैं उसकी बैलेंस कंडीशन दे दी है एज Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। मान लिया कि ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि इस ब्रिज में Z1, Z2, Z3, Z4 की जगह कौन से एलिमेंट्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो लिखेंगे हेयर Z1 इज इक्वल्स टू, Z1 की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा इंपेडेंस R1, साथ ही साथ सीरीज में लगा हुआ है क्या एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन j ओमेगा C का C1 हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। साथ ही साथ Z2 की बात करें तो Z2 के जगह पे सिंपली एक रेजिस्टेंस है तो R2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। Z3 इंपेडेंस की बात करें तो Z3 इंपेडेंस में क्या लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3 और उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर C3 लगा हुआ है तो 1 अपॉन j ओमेगा C3 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 4। एंड आर्म CD की बात करी जाए तो आर्म CD में हमारा एक इंपेडेंस Z4 लगा हुआ है और वहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो क्या देखेंगे कि Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली अपने इस ब्रिज को देखते हुए कि जो हमारी वींस ब्रिज की सर्किट थी वहां पे इंपेडेंसेस कौन कौन से यूज किए गए हैं। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2, 3, 4, 5 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यूजिंग 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा। तो Z1 की बात करें तो Z1 के जगह पे क्या लिखा हुआ था R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 अपॉन R2, या Z2 की बात करें तो अपॉन में क्या था Z2 के जगह पे R2 था। देन R3 जो था हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, तो R3 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C3 अपॉन में क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, तो Z4 की वैल्यू R4 3। तो इस तरीके से Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब फर्दर क्या देखा कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया R4 इंटू R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इज इक्वल्स टू R2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R2 इन ब्रैकेट R3 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C3। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को इनके ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे या इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन को जब फर्दर सॉल्व किया तो क्या मिला R1 R4 प्लस क्या हो जाएगा R4 अपॉन j ओमेगा C1 इज इक्वल्स टू R2 R3 प्लस R2 अपॉन j ओमेगा C3। तो ये एक वैल्यू मिल गई, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इस इक्वेशन 6 से हम क्या करेंगे, अब फर्दर इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे इस इक्वेशन 6 से हम इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो अब आगे क्या करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा रियल पार्ट को इक्वेट किया तो यहां से क्या मिला रियल पार्ट R1 R4 और इस साइड देखा तो क्या मिला R2 R3। तो क्या हो गया R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो क्या देखा कि जब हम लोगों ने रियल पार्ट को इक्वेट किया तो एक वैल्यू हमें मिल रही है एज R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो R2 को इधर भेज दिया, R4 को इधर भेज दिया, तो ये एक कंडीशन हमें मिल गई। तो ये एक हमने बैलेंस कंडीशन अचीव कर ली है बाय इक्वेटिंग द रियल पार्ट। अब हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो जब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया जाएगा
तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर फोर अपॉन ओमेगा सी वन. तो क्या मिला, आर फोर अपॉन ओमेगा सी वन इज इक्वल्स टू क्या है, आर टू अपॉन ओमेगा सी थ्री. तो R2 अपॉन ओमेगा C3, ये कब वैल्यू मिली, जब हमने इक्वेशन 6 के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया है. तो क्या करेंगे, ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो फर्दर क्या मिला, R4 अपॉन C1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन C3. अब क्या देखना है कि हमें निकालना क्या था, लास्टली अननोन कैपेसिटर की वैल्यू, और अननोन कैपेसिटर हमारा क्या था, C1 था. तो यहां से हम C1 के टर्म्स में वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C1 इज इक्वल्स टू, C1 इज इक्वल्स टू C3 R4 अपॉन R2. तो ये जो है C3 इज इक्वल्स, C1 इज इक्वल्स टू C3 R4 अपॉन R2, हमारा एक दूसरा बैलेंस कंडीशन हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा. तो इक्वेशन नंबर 7 हमें क्या मिला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 मिला था जब हमने इक्वेशन 6 के रियल पार्ट्स को इक्वेट किया था, और इक्वेशन 8 हमें क्या मिला, जब हमने इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया था. अब ये जो 7 और 8 इक्वेशन मिले हैं, ये हमारे क्या मिले हैं, ये हमारे बैलेंस कंडीशन मिले हैं दो. तो हम लोगों ने Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4 बैलेंस मान लिया था कि सर्किट हमारी बैलेंस कंडीशन पे क्या होगी. फर्दर जब हमने उन्हें सॉल्व किया तो ये दो कंडीशन 7 और 8 हमें मिल गए. यहां से क्या देखा जाता है कि अगर बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जो हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है मिड में हमारे इस आर्म के अक्रॉस, वो क्या करेगा, ये डिटेक्टर जो है किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. दैट इज अगर हेडफोन लगाया है तो हेडफोन क्या करेगा, मिनिमम साउंड उस टाइम जो है प्रोड्यूस करता रहेगा, और जिस भी पॉइंट पे हमारा हेडफोन मिनिमम साउंड प्रोड्यूस करता है उसी पॉइंट पे सर्किट हमारी बैलेंस हो जाती है. दैट इज यहां का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा. तो क्या बोला गया कि अब यहां के सर्किट को अगर देखा जाए तो C3 और R3 ही ऐसे दो वैल्यूज हैं जिनको हम वेरी करा सकते हैं. तो इन्हीं को वेरी कराते हुए बैलेंस पॉइंट को अचीव करना है हमें. तो अगर इक्वेशन 7 और 8 की बात करी जाए तो क्या देखा, C3 और R3 ही दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम वेरी करा के बैलेंस पॉइंट अचीव कर सकते हैं. तो इक्वेशन 7 में हम R3 को वेरी कराएंगे, तो R3 को जब वेरी कराएंगे, तो जब वेरी कराया जिस पॉइंट पे हेडफोन हमारा मिनिमम साउंड प्रोड्यूस करने लगे उसी पॉइंट पे हमारा बोला जाएगा कि सर्किट बैलेंस हो गई, एंड C3 बोला जाएगा कि C3 को वेरी करा रहे, एंड जिस पॉइंट पे हेडफोन हमारा मिनिमम साउंड पोजेस करता रहे या मिनिमम साउंड प्रोड्यूस करता रहे, या अगर कोई भी डिटेक्टर लगा हुआ है वो डिफ्लेक्शन किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स ना प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस पॉइंट पे सर्किट हमारी बैलेंस हो गई और वहां से हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज सिंपली कह सकते हैं कि इन इक्वेशन 7 एंड 8 बाय वेरिंग C3 एंड R3 बैलेंस कंडीशन विल बी अचीव्ड. तो ये तो बात हो गई उनके बैलेंस कंडीशन की, या किस तरीके से हम कैपेसिटर के अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे हमको क्या बताना है कि हम लोगों ने देखा था कि वीन्स ब्रिज जो है पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर भी बताती है. तो आगे क्या बोला जाएगा, या सिंपली यहां पे लिख सकते हैं कि बाय वेरिंग C3 एंड R3 इन इक्वेशन 7 एंड 8 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर एंड एट दैट पॉइंट लिख सकते हैं कि सर्किट जो हमारी बैलेंस हो जाएगी और डिफ्लेक्शन जो है डिटेक्टर जो है नहीं शो करेगा. अब पावर फैक्टर की बात करी जाए तो पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन एज पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज. तो पावर फैक्टर के लिए क्या बोला गया कि पावर फैक्टर जो होगा वो होता है cos phi के बराबर, एंड cos phi जो हो जाएगा वो होगा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो ये जो था इस तरीके से पावर फैक्टर कैपेसिटर का इस ब्रिज में डिफाइंड था एज cos phi इज इक्वल्स टू R1 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर के बराबर. अब यहां पे क्या बोला गया कि इफ 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर बड़ी हो जाए R1 से,
तो उस पॉइंट पे क्या देखा जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई R1 से, तो R1 बेसिकली इसके सामने एक बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर बहुत छोटी क्वांटिटी हम ऐड भी करते हैं तो वो उतना फर्दर इफेक्ट उस पर नहीं डालेगा। तो ये कंडीशन अगर हम इस पावर फैक्टर पे अप्लाई करते हैं, मान लिया कि इक्वेशन 9 हो गया हमारा, तो इस इक्वेशन 9 पे अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो यहां से क्या बोला गया कि देन cos phi will be equal to, अब R1 बेसिकली नेग्लिजिबल हो गया इसके सामने, तो अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ये रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली क्या मिल जाएगा R1 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C1 के बराबर। अब ये इससे जाएगा तो R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली क्या मिल गया ओमेगा R1 C1 के बराबर। तो क्या बोला गया कि पावर फैक्टर इस कंडीशन में डिफाइंड है एज ओमेगा R1 C1 के बराबर। अब ओमेगा क्या थी, ओमेगा जो थी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी एट पॉइंट कि जब हमारा सर्किट बैलेंस हो जा रहा है। तो जैसे ही हमें इस ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी उसी पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इक्वेशन 7 और 8 को यूज करते हुए हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और इक्वेशन 9 या कह सकते हैं अगर इस कंडीशन को अप्लाई किया गया तो इक्वेशन 10 को यूज करते हुए हम पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या देखा गया कि वीन्स ब्रिज दो काम करती है, पहला कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजर करती है, तो मेजर करती है किसको, मेजर द कैपेसिटेंस, एक पहला काम इनका ये हो गया, और दूसरा इनका काम क्या हो गया पावर फैक्टर को फाइंड आउट करना। तो ये दो काम है किसका, वीन्स ब्रिज का। तो इतनी बातें थी वीन्स ब्रिज के अंदर। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।